फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे आपके फ़ोन की बैटरी पहले से ज़्यादा रुकने लगेगी और 100% गारंटी के साथ। क्योंकि इन ट्रिक्स को मैं भी काफ़ी टाइम से फॉलो करता हूं, जब से मैं फ़ोन चला रहा हूं स्टार्टिंग से ही फॉलो करने लगा हूं एंड फ़ोन की बैटरी मेरी लगभग 1 से 1.5 घंटे ज़्यादा रुकती है। एंड फ्रेंड्स, फ़ोन की बैटरी सही भी चल रही है, कोई भी दिक्कत भी नहीं आई है इस चीज़ को फॉलो करने के बाद। अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं तो भी आपके काम आएगा, कम यूज़ करते हैं तो भी आपके काम आएगा। मतलब ट्रिक्स ये बेकार नहीं है, ट्रिक्स आपके हमेशा ये काम आने वाला ट्रिक है, चाहे आईफोन हो चाहे एंड्रॉयड हो, कोई से फ़ोन में आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास 3-4 ट्रिक्स हैं, उनको आप देखिए अपने यूज़ में लाइए। अगर आप यूज़ में ला रहे हो तो आपको बैटरी परसेंटेज और ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब फ्रेंड्स, सबसे पहली ट्रिक के ऊपर बात करता हूँ। सबसे पहले बैकग्राउंड ऐप्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, आपके फ़ोन में बहुत सारे बैकग्राउंड में ऐप्स चलते रहते हैं जो लगातार ही चलते हैं। मतलब आप चाहे सोने जा रहे हो, फ़ोन आपका कहीं भी रखा हो, फिर भी जो बैकग्राउंड ऐप्स हैं वो लगातार चलते रहते हैं, बैक में आपके प्ले होते रहते हैं, जिनसे क्या होता है आपका फ़ोन का डेटा तो खर्च होता ही है एंड डेटा के साथ साथ आपके फ़ोन की बैटरी भी कम होती जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके फ़ोन में भी देखिए बैकग्राउंड ऐप्स चल रहे हों तो प्लीज़ उन्हें देखिए बंद कर दीजिए। बैकग्राउंड ऐप्स बहुत सारे हो सकते हैं, कोई गेम हो सकता है, सोशल मीडिया साइट हो सकती है, कि आपके फ़ोन में किसी तरीके के कोई भी ऐप्स हो सकते हैं बैकग्राउंड में, जिन्हें आप बंद करके रखिए। जब भी यूज़ हो तो ही आप उन्हें चालू करिए, उससे आपकी बैटरी परसेंटेज में कुछ ना कुछ आपको परसेंटेज या फ़र्क देखने को मिलेगा। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं दूसरी कंडीशंस के ऊपर, जो कि आपकी ब्राइटनेस। देखिए, फ़ोन की जो ब्राइटनेस होती है उसमें दो मोड्स आते हैं। एक तो मैनुअल मोड होता है कि हम जितनी परसेंट चाहें उतनी परसेंट ब्राइटनेस बढ़ाएं। एक होता है ऑटो मोड, मतलब आप डे लाइट में जा रहे हो या फिर रात में यूज़ कर रहे हो, उसके हिसाब से अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती है आपकी ब्राइटनेस। तो फ्रेंड्स, आपके फ़ोन में कौन सा मोड सिलेक्ट है वो आपके ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है। अगर आप देखिए मैनुअल मोड में अपने फ़ोन की ब्राइटनेस रखते हो, अपने हिसाब से बढ़ाते घटाते हो, तो आपकी बैटरी परसेंटेज ऑटो मोड की अपेक्षा काफ़ी अच्छी रुकेगी। क्योंकि अगर आपके फ़ोन में ऑटो मोड ऑन है और ब्राइटनेस ऑटो मोड से चलती है तो उसमें कई सारी चीज़ें वर्क करती हैं, जैसे फ़ोन के जो सेंसर्स होते हैं वो भी वर्क करते हैं एंड ब्राइटनेस कम ज़्यादा बार बार होती है, जिससे बैटरी परसेंटेज बहुत जल्दी जल्दी गिरती है। अब फ्रेंड्स, क्या होता है कि अगर आपको बैटरी अच्छी रोकनी है, आप अपने फ़ोन को मैनुअल मोड पर सिलेक्ट करिए, मैनुअल मोड पर आप उसकी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करिए। एंड फ्रेंड्स, अगर ऑटो मोड पर है तो उसे मैनुअल मोड पर सिलेक्ट करिए, ऑटो मोड पर कम से कम यूज़ करिए, तो फ्रेंड्स आपको एक अच्छी बैटरी परसेंटेज देखने को मिलेगी। फ्रेंड, तीसरी कंडीशन के ऊपर बात करते हैं, जो कि आपके फ़ोन में एक डार्क मोड आता है, एक नॉर्मल मोड आता है, जिसमें फ़ोन आपका बिल्कुल वाइट वाइट दिखता है। मतलब डार्क मोड अगर आप यूज़ करेंगे या फिर वाइट मोड यूज़ करेंगे वो काफ़ी डिपेंड करता है आपकी बैटरी परसेंटेज पर। अब देखिए, अगर फ़ोन आपका डार्क मोड में यूज़ हो रहा है तो बैटरी परसेंट अच्छी रुकेगी, क्योंकि फ़ोन के डिस्प्ले में कम से कम LEDs काम करती हैं, जो भी लाइट्स जलती है अंदर डिस्प्ले के वो कम से कम जलती हैं, जिससे बैटरी परसेंटेज आपको एक अच्छा बैटरी परसेंट देखने को मिलेगा। तो देखिए, डार्क मोड में आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने का सोचिए। एंड जो चौथी कंडीशन है वो है आपके फ़ोन के यूज़ को लेके, कि आप कितना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और कितना ज़्यादा हीट करता है आपका फ़ोन। अगर देखिए आप लगातार फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आप घंटों घंटों फ़ोन चला रहे हैं, फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो गया तब भी आप फ़ोन को नहीं छोड़ रहे हैं, तो बैटरी परसेंटेज आपका कम होगा एंड बैटरी ख़राब होने के भी चांस ज़्यादा रहते हैं। देखिए, अगर आप फ़ोन बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं, 2-3 घंटे हो चुके, फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो गया है, गेम कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ोन हीट हो गया है, तो प्लीज़ उसे कुछ देर के लिए देखिए थोड़ी देर रख दीजिए, जिससे आपके फ़ोन की जो बैटरी होगी वो एक अच्छी बैटरी रुकेगी। तो देखिए, ये मैंने आपको 4 पॉइंट्स बता दिए, एक पॉइंट और बता देता हूँ जो कि आपके फ़ोन के नेटवर्क को लेकर है। तो देखिए, जैसे कि आपके फ़ोन में नेटवर्क आते जाते रहते हैं, अगर नेटवर्क कहीं भी नहीं आ रहे हैं तो फ्रेंड्स वहाँ पे क्या करिए, आप अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड पे लगा सकते हैं, जिससे आपके फ़ोन की बैटरी एक अच्छी बैटरी रुकेगी। तो इतने सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, यही सारे पॉइंट्स होते हैं फ़ोन की बैटरी की रिगार्डिंग। बाकी फ्रेंड्स, इनको आप फॉलो करके देखिए, आपको एक अच्छी बैटरी देखने को मिलेगी। बाकी होपफुली आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करिए एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।